आ रहे हैं बाहर से लोग। लोगों का दावा हिंसा में नहीं शामिल थे स्थानीय। हिंसा फैलाने वालों ने काले कपड़े और नीली टोपी पहनी हुई थी। काले कपड़े और नीली टोपी वाले की पहचान की जाएगी एसएसपी की तरफ से कहा गया है। तो ये आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर अब ये कहा जा रहा है कि सहारनपुर हिंसा में एक बड़ा जो खुलासा हुआ है उसमें ये सामने आया कि नमाज के बाद हिंसा फैलाने आए बाहर से लोग, उनकी पहचान होगी। ये दावा है कि स्थानीय लोग जो है हिंसा में शामिल नहीं थे। हिंसा फैलाने वालों ने काले कपड़े और नीली टोपी पहनी हुई थी। सर सब कुछ ठीक था, एकदम से क्या हुआ? एकदम ये बाहर के लोग आए हैं, दियोबंद का नहीं है कोई बिजनेस। लेकिन ये पोस्टर बैनर लेके कैसे लोग आ गए? बाहर के लोग आए हैं, बाहर के लोग आए, इधर से आए, कोने में से छुपे हुए थे। जब सब शांत हो, सब अपने अपने घर को नमाजी चले गए तो एकदम से निकल कर आए। लेकिन ये तो बकायदा पोस्टर भी थे ना उनके हाथ में, पहले सब पोस्टर आप लोगों को इसके कोई अंदाजा कोई इल्म नहीं था, वो इल्म नहीं था। देखिए लोगों का साफ तौर पर बाहर के दियोबंद का नहीं है, दियोबंद का अमन खराब करने के लिए लोग आए हैं।